नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अप्रैल 2022 से कार्मिक की एनपीएस की 10% कटौती सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एनपीएस कटौती बंद करने के पश्चात ओपीएस लागू कर दिया है और ओपीएस के अंतर्गत कार्मिक की जीपीएफ कटौती की जाएगी। हम यह जानेंगे कि एनपीएस कटौती 10% बंद करने के पश्चात हमारे वेतन में कितनी वृद्धि होगी और जीपीएफ के अंतर्गत हमारी कितनी कटौती की जाएगी। सबसे पहले हम यहां पे यह देख सकते हैं, यह सैलरी स्लिप आपको बताई हुई है, जहां पे बेसिक पे बताया हुआ है, डीए और एचआरए बताया हुआ है। एनपीएस की जो कटौती की जाती है वह बेसिक पे और डीओ को मिला के की जाती है। जो भी आपका बेसिक पे है उसमें डीए जोड़ दिया जाता है और फिर उसका 10% एनपीएस की कटौती की जाती थी। यहाँ पे जो मेरी सैलरी स्लिप के अंतर्गत मेरी एनपीएस की कटौती 6,340 रुपये की एनपीएस की कटौती की जा रही है। इसी फैन की एनपीएस की कटौती की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स की कटौती है, जो कि कुल कटौतियों के अंदर अदर कटौतियां हैं, LIC, RGHS, SIP। यहाँ पे जो मेरा कुल सकल वेतन है हो रहा था बेसिक DA और HRA को मिला के 67,740 रुपये। अब हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कुल कटौतियों के अंतर्गत कमी हो जाएगी। जहाँ पे पहले मेरे कुल कटौती NPS की 10% राशि बेसिक प्लस DA में ऐड करने के पश्चात 6,340 रुपये हो रही थी और यहाँ पे कुल कटौती मेरी 14,706 रुपये है। इसमें से 6,340 रुपये लेस कर देंगे तो यहाँ पे अब मेरी जो कटौतियाँ 8,366 रुपये की रहेंगी। अब जो कि मेरा नेट पे होगा वह उसमें इंक्रीज हो जाएगा 6,340 रुपये। अब यहाँ पे मेरे नेट पे में जो वृद्धि की गई है, जो कि मेरा पहले नेट पे था 53,054 रुपये और उसमें हम अब ऐड हो जाएंगे 6,340 रुपये, जो कि 10% एनपीएस की कटौती थी। अब मेरा नेट पे हो जाएगा यहाँ पे 59,394 रुपये। इसके अतिरिक्त यह कटौतियाँ जो मेरे प्रत्येक मंथ मेरे सैलरी से की जाती है, इनके अतिरिक्त जीपीएफ के अंतर्गत अब मेरी नेट पे में इंक्रीज होने के पश्चात 59,394 रुपये होने के पश्चात जीपीएफ में कितनी राशि काटी जाएगी सरकार के द्वारा, तो जीपीएफ में जो जीपीएफ की स्लैब दी हुई है उसके अंतर्गत आप जो जीपीएफ स्लैब है उसमें से कटौती करवा सकते हैं। जहाँ पे न्यूनतम सीमा दी हुई है वह न्यूनतम सीमा उस कार्मिक के बेसिक पे के अनुसार है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथियों, सेवंथ पे के अनुसार जो जीपीएफ स्लेब दी है पे ड्रॉइन इन पे मैट्रिक्स, जो कि आपका बेसिक पे है, उसके अनुसार रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो कि काटा जाएगी वह दर है अप टू 23,100 रुपये तक 1,450 रुपये की कटौती की जाएगी। बेसिक यदि 23,100 रुपये तक है तो इसके अतिरिक्त आगे हम देखें 23,101 से 28,500 रुपये तक के मध्य में बेसिक है तो उनकी कटौती 1,625 रुपये, 28,501 से 38,500 तक है तो उनकी कटौती 2,100 रुपये, इसी तरीके से 38,501 से 51,500 के मध्य में है जिनकी बेसिक है तो उनकी कटौती 2,850, 51,501 से 62,000 रुपये तक की जिनकी बेसिक है तो उनकी कटौती 3,375, 62,001 रुपये से 72,000 रुपये तक 4,200 रुपये की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे 72,100 रुपये से 80,000 रुपये तक 6,150 रुपये की कटौती एवं 8,900 रुपये की कटौती और जिनकी सैलरी एक बेसिक 1,67,001 रुपये से अधिक है उनके जीपीएफ संबंधी 10,500 रुपये की कटौती की जाएगी। अब हम यहाँ पे यह जानें कि जो मेरी बेसिक 48,400 है उसके अंतर्गत मेरी न्यूनतम कटौती जीपीएफ के अनुसार कितनी की जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 38,501 से 51,500 तक 2,850 रुपये की मेरी बेसिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कटौती है 2,850 रुपये की होगी जीपीएफ के अंतर्गत। जानते हैं कि सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है। साथियों, जो कि एनपीएस की राशि ऐड करने के पश्चात मेरा जो नेट पे था वो 59,394 रुपये हो रहा था, इसके अंतर्गत अब मुझे जीपीएफ की जो राशि कटौती करवानी है 2,850 रुपये न्यूनतम कटौती, उसको लेस करने के पश्चात हम जाने तो नेट पे के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, 56,544 रुपये अब मेरा नेट पे बनता है, जो कि पहले मेरा नेट पे 53,054 रुपये था अब 56,544 रुपये बनता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एनपीएस की कटौती बंद होने के पश्चात जो जीपीएफ में कटौती की जाएगी, जीपीएफ की कटौती को लेस करने के पश्चात भी हमारे वेतन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। धन्यवाद साथियों।